डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के पटना जिले के चौक थाना अंतर्गत दो अज्ञात अपराधियों द्वारा एक क्लिनिक में घुसकर चिकित्सक से रंगदारी की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मिलने पर बिहार पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी दो के नेतृत्व में उक्त घटना में संलिप्त की गिरफ्तारी हेतु एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा विशेष कार्य बल पटना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रंगदारी की मांग करने की घटना में संलिप्त 50,000 इनामी एवं 2,00,000 के इनाम के प्रस्तावित अपराधी मोहम्मद चांद उर्फ आफताब एवं 3 अन्य इसके सहयोगी को 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 27 कारतूस, 9,000 नगद एवं 1 मोबाइल के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 22 अक्टूबर 2024 को चौक थाना के अंतर्गत नाला स्थित कुमार डेंटल क्लिनिक में घुसकर दो अज्ञात अपराधकर्मियों ने हथियारबद्ध थे ये लोग और जाके प्रणव कुमार जो डॉक्टर हैं उनसे इन्होंने रंगदारी की मांग की थी। 5,00,000 रुपये रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने के लिए धमकी दी। इसमें वहाँ पर ये जो चांद है, जो उसका नाम आफ्ताब है और दूसरा अभिषेक मेहता, उसके ही कहने पर ये लोग वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर वीडियो कॉल पर बात भी कराई है डॉक्टर साहब की। तो इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज किया गया 499/24। वहाँ से ये लोग भाग गए। इसके बाद हम लोगों ने एक जो SSP सर हैं उनके निर्देशन के अंतर्गत STF और हम लोगों की एक टीम बनाई गई। उसके अंतर्गत हम लोगों ने औरंगाबाद जिला में जाकर रेड करी। उसमें चांद और अभिषेक दोनों पकड़ाए। वहाँ से फिर उन लोगों से हम लोगों ने थोड़ी पूछताछ करी। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें किसी कंकड़बाग में रहने वाले अमन के घर में इन लोगों ने 5-4 हथियार और कुछ गोलियाँ भी रखवा रखी हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर रेड करी और कंकड़बाग से हम लोगों को 2 पिस्टल और 2 सिक्सर बरामद हुए। इसके अलावा कुल 27 कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोबाइल बरामद हुआ है, 9,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। तो बेसिकली ये जो आदमी था बीच में अमन, ये हथियार सप्लाई का काम करता था और जो अभिषेक और चांद हैं ये लोगों के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करते हैं। ये 2011 से ही एक्टिव क्रिमिनल है जिसके बारे में STF और हमारी पुलिस बहुत समय से इसको ढूंढ रही है। और जो डॉक्टर साहब ने FIR कराया है, उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर आलमगीर हैं उनके साथ इनका कुछ आपसी विवाद है, उन्हीं के कहने पर ये लोग रंगदारी की मांग करने और धमकी देने के लिए आए थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें आगे भी अनुसंधान किया तो कई कांडों का उद्भेदन इसमें हुआ है। 25 फरवरी को जो चांद ग्लास ट्रेडर्स से रंगदारी की मांग की गई थी, 87/24 केस दर्ज हुआ था खाजी कला में। इसके बाद 1 अप्रैल को एहतशाद अहमद से 10,00,000 रुपये की मांग की गई थी, 156/24 केस रजिस्टर हुआ था। 3 जुलाई को निखिल दास से मांग की गई थी, 266/24 रजिस्टर हुआ था। 17 अगस्त को 346/24 केस रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा लगभग 7 केसेस हम लोग के तुरंत अभी उद्भेदित हो चुके हैं। इसके अलावा आगे भी पूछताछ जारी है। सभी का आपराधिक इतिहास पता किया गया है। तो चांद के ऊपर लगभग अब तक 6 केसेस ऑलरेडी पता चल रहे हैं, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र में खाजे कला, फतवा और बाहर भी केसेस कई दर्ज हैं। ये बाहर से भी ऑपरेट करता था, कई बार रांची से, कई बार कोलकाता से, कई बार मुंबई से, कई बार दिल्ली से। पटना में रहकर कभी ये काम नहीं करता था। इसके अलावा जो दूसरा अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक मेहता है, इसके खिलाफ भी 6 केसेस दर्ज हैं, कुछ खाजी कला में, कुछ आलमगंज, कुछ आगम कुआं में। इसके अलावा 2 अभियुक्त और पकड़े गए हैं जिन्होंने वहां पर जाकर रंगदारी की मांग की गई थी। तो इन्हीं दोनों की निशानदेही पर उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? कुल टोटल 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं।